व्यासघाट नौगांव के ग्रामीणों ने एक निजी रिजॉर्ट कंपनी पर उनकी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जल्द अवैध अतिक्रमण को हटाकर कब्जा मुक्त किए जाने की मांग की गई है। ग्रामीण नरेंद्र सिंह रावत व धनवीर सिंह ने बताया कि एक रिजॉर्ट कंपनी ने लीज पर ली गई जमीन के अतिरिक्त अन्य भूमि पर भी कब्जा किया गया, लेकिन प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। जांच रिपोर्ट में अतिक्रमण वाले भूमि को भी कब्जा मुक्त घोषित किया गया है, जबकि कंपनी द्वारा भूमि पर कब्जा पूर्व की भांति अभी भी बरकरार है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप और जल्द उनकी भूमि को उन्हें लौटाने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले में SDM को जांच सौंप दी है, कहा है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से मुकेश भचेती की रिपोर्ट। कि इस पे जो रिजोर्ट चला रहा है उसने ग्रामीणों की जमीन पे कब्जा किया। इस संबंध में SDM को निर्देशित किया गया और जो भी जांच के पश्चात आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई जो की जानी है उसके लिए निर्देशित किया गया। मुझे अपेक्षा है कि जल्दी इसका जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया जाएगा। इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, इनिशियल रिपोर्ट SDM की, उसमें कब्जे से मुक्त करना बताया गया और ग्रामीणों का कहना है कि इस तरीके की स्थितियाँ नहीं है और अभी तक कब्जे से मुक्त नहीं करवाया गया, तो ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए मैंने SDM को निर्देशित किया। वही है सर, आप तारीख पे तारीख सही कह रहे हो। हमारा SDM कोर्ट में मामला चल रहा है 143 का, उस पर भी तारीख पे तारीख चल रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर चौथे SDM यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमारी चिट्ठियों की बात है, लगातार लेटरबाजी हम कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को दिए हुए लेटर पे अभी एक जाँच DM ने मुझे भेजी थी, एक कॉपी। उन्होंने SDM को आदेश दिया था कि ये इन बिंदुओं पर नियमानुसार जांच कराओ, जांच बिठाओ। 10 फरवरी को वो मेरे पास लेटर आ गया था। उसके बाद मैं कहूँगा, अगर जो अधिकारी हैं, अगर जो सत्ता पक्ष है, अगर वो जनता को न्याय नहीं दे सकता है तो इसका मतलब है वो अन्याय के साथ खड़ा है। अब क्वेस्ट्रॉल कंपनी जो है उसने कुछ भूमि खरीदी और उस भूमि को खरीदने के बाद जो मेरे पीछे जितने भी ग्रामीण पीड़ित लोग खड़े हैं, इनकी भूमि पर, किसी की ज़मीन पर जनरेटर, किसी ज़मीन पर सेप्टिक टैंक, किसी की ज़मीन के अंदर जो है खोद के कुछ वहाँ पर बिजली की तारें बिछा रहे हैं, इस तरीके की बिजली के खंभे किसी की ज़मीन पर उगा रहे हैं, ये दादागिरी हमारा प्रशासन कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, ये पहला सवाल है।